हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूं शनाली। स्वागत है आप सभी का मैटनी शो में। मैटनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है कहां गए ये लोग, जहां हम बात करते हैं उन शख्सियतों की जो एक समय चर्चा का विषय हुआ करते थे। 90 के दशक में दूरदर्शन पर एक शो आता था चंद्रकांता। लोगों में शो को लेकर ऐसा क्रेज था कि अपना काम पहले ही निपटा लेते थे। इधर शो का टाइटल सॉन्ग प्ले होता और उधर पूरा परिवार टीवी के सामने आसन जमा लेता था। लोगों ने शो के किरदारों को खूब प्यार दिया, उनकी नकल भी की, उनके डायलॉग्स दोहराए, उन्हें यादगार बना दिया। शो से ऐसा ही एक किरदार था क्रूर सिंह, जिसकी भौं सामान्य पुरुष की मूंछों से भी घनी थी। वो बात बात में यक यक करता था, जिसे बच्चे अक्सर यक्कू यक्कू कहकर दोहराते थे। आज के एपिसोड में बात करेंगे चंद्रकांता के क्रूर सिंह यानी अखिलेंद्र मिश्रा की, जिन्हें हम सरफरोश के मिर्ची सेठ और गंगाजल के बेईमान पुलिस वाले भूरे लाल के रूप में भी पहचानते हैं। शुरू करने से पहले बता दें कि आपके लिए यह तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी यमन ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बिहार से ताल्लुक रखते थे। वहां के छपरा जिला स्कूल से उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की थी। वो स्कूल जहां से अखिलेंद्र मिश्रा ने भी अपने मैट्रिक की पढ़ाई की थी। अखिलेंद्र का अधिकांश बचपन छपरा में ही बीता था। हालांकि उनका जन्म सिवान जिले के कुलवा गांव में हुआ था। पिता स्कूल टीचर थे, गोपालगंज के डीएवी स्कूल में पढ़ाते थे। बिहार के तीन जिले सिवान, छपरा और गोपालगंज उन्हें अपने यहाँ का बेटा बताते हैं। अखिलेंद्र खुद अपने इंटरव्यूज में ये बात बता चुके हैं, जिस दौरान वो बड़े हो रहे थे उन्हें अपने जिले का नाम सिर्फ सारण पता था। 1972 में जाकर सारण जिले को तीन उप जिलों में बांटा गया, जिनका नाम था गोपालगंज, छपरा और सिवान। अखिलेंद्र पढ़ाई से भी चुराते थे मन, उससे दूर रहने के बहाने खोजते थे। ऐसे ही उनका ध्यान गया गांव में होने वाले नाटक पर, जो दुर्गा पूजा के दौरान होते थे। तब अखिलेंद्र 8वीं कक्षा में थे। उन्होंने भी अपने पहले नाटक में हिस्सा लिया। नाटक था गौना के रात, एक भोजपुरी नाटक। मजा आया इतना कि वो हर साल अपने चचेरे भाइयों और गांव के दोस्तों के साथ मिलकर दुर्गा पूजा पर नाटक करने लगे, वो भी दो, एक भोजपुरी भाषा में और दूसरा हिंदी में। ये सिलसिला जारी रहा। अखिलेंद्र मिश्रा के राजेंद्र प्रसाद से रहे एक कनेक्शन का जिक्र हम कर चुके हैं, अब बारी थी दूसरे कनेक्शन की। राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई थे महेंद्र प्रसाद, उन्होंने छपरा में एमेच्योर ड्रामेटिक एसोसिएशन खोला। महेंद्र बाबू के स्थापित किए गए एसोसिएशन से सभी जुड़ना चाहते थे, क्या शहर के बुद्धिजीवी और क्या कलाकार। अखिलेंद्र भी एसोसिएशन के साथ मिलकर नाटक करने लगे। अखिलेंद्र को नाटक का चस्का लग चुका था। ये वो दौर था जब माँ बाप नुक्कड़ नाटक जैसी चीजों को बतौर हॉबी भी नहीं देखते थे, फिर प्रोफेशन तो बहुत दूर की बात ठहरी। माँ चाहती थी उनका बेटा अखिलेंद्र इंजीनियर बने। अखिलेंद्र ने भी माँ की बात टाली नहीं, जुट गए इंजीनियरिंग कॉलेज के एंट्रेंस की पढ़ाई करने में। IIT और BITS जैसे कॉलेजेस के लिए एग्जाम दिए, लेकिन सब में एक ही नतीजा आया, फेल। साइंस के बच्चों का इंजीनियरिंग में दाखिला ना होने के बाद वाला प्लान चुना और एडमिशन ले लिया छपरा के राजेंद्र कॉलेज में। फिजिक्स ऑनर्स से BSc की पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई पूरी हुई, अब अखिलेंद्र के सामने मास्टर्स करने का ऑप्शन था। जानते थे कि अगर मास्टर्स की तो आगे चलकर टीचर बनना पड़ेगा। खुद अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सके तो भला दूसरों के लिए अच्छे टीचर कैसे बनेंगे। दूसरी ओर नाटक नाम का बचपन का प्यार ऐसा था जिसे ये भूलने को तैयार नहीं थे। और तो और इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी के दौरान ही अपना पहला नाटक डायरेक्ट कर डाला था। अब इस पॉइंट पर टफ चॉइस लेने का फैसला किया कि जिंदगी चाहे जैसे भी रुख करे, करना तो थिएटर ही है। लेकिन वो दौर था 80s का, ऊपर से ये मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे, जहां नाटक एक्टिंग जैसी चीजों को शालीनता से नहीं देखा जाता था। बेटे को आजीवन सिनेमा में लीन होना है, ये बात घर वालों को कैसे समझाएं, खासतौर पर बाबूजी को, जिनका अखिलेंद्र बड़ा सम्मान करते थे। उनसे सीधे सीधे कुछ भी मांगने से बहुत झिझकते थे, लेकिन इसीलिए माँ को पहले बनाया। माँ ने हड़का कर भगा दिया, कहा इंजीनियरिंग तुमसे निकला नहीं और चले हो एक्टर बनने। थोड़ी और कोशिश की लेकिन माँ नहीं मानी। थक हार कर अखिलेंद्र पहुंच गए पिताजी के पास। देखा जाएगा जो होगा, पिताजी को अपनी मनोदशा बताई। लगा था कि डांट कर भगा दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिताजी ने सबको अचंभित करते हुए अपनी हामी भर दी।
इसके बाद जब तक बॉम्बे का स्टेशन नहीं आ गया तब तक अखिलेंद्र ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बॉम्बे आए और इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी कि इप्टा ज्वाइन कर लिया। इप्टा के साथ जुड़कर उन्होंने कई नाटकों में काम किया। बैक स्टेज की बारीकियां सीखकर फ्रंट स्टेज तक आए। अखिलेंद्र एक्टिव तौर पर थिएटर में काम कर रहे थे। प्रेमचंद की कहानी पर आधारित उनका प्ले मोटे राम का सत्याग्रह पृथ्वी थिएटर पर चल रहा था। उसी दौरान उन्हें पता चला कि नीरजा गुलेरी दिल्ली से बॉम्बे आई हुई है, अपना शो डायरेक्ट करना चाहती है और उसी के सिलसिले में उन्हें आर्टिस्ट की तलाश है। उस वक्त ऑडिशन का चलन आम नहीं था, आर्टिस्ट को उनके थिएटर बैकग्राउंड के आधार पर फाइनल कर लिया जाता था। अखिलेंद्र को नीरजा के असिस्टेंट का नंबर मिला। असिस्टेंट ने नीरजा के साथ उनकी मीटिंग फिक्स करा दी। अखिलेंद्र मिलने पहुंचे, देखा कि उनसे पहले कतार में कई एक्टर्स लगे हैं। किसी से पूछ लिया कि भाई नीरजा जी कहां बैठी हैं। उनके समक्ष पहुंचे और खुद को इंट्रोड्यूस किया। नीरजा ने बिना कोई फॉर्मेलिटी किए सीधा पूछ लिया कि क्या चंद्रकांता पढ़ी है। अखिलेंद्र ने भी बिना ज्यादा वक्त गवाए ना में जवाब दिया। नीरजा को अखिलेंद्र में कुछ अलग बात लगी क्योंकि अब तक जितने भी एक्टर्स आए सबने उन्हें इम्प्रेस करने के लिए कह दिया कि उन्होंने चंद्रकांता पढ़ी हुई है। अखिलेंद्र की ईमानदारी ने उन पर अच्छा इम्प्रेशन डाला। बाकी वो अखिलेंद्र के थिएटर में किए गए काम से भी अवगत थी, इसीलिए उन्हें तुरंत अपने शो में रोल ऑफर कर दिया। बताया कि उन्हें शो के विलन क्रूर सिंह का किरदार निभाना है, विजयगढ़ के दीवान का बेटा जो चंद्रकांता से प्यार करता है। उसका रोल 10-12 एपिसोड तक चलेगा जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुनने के बाद अखिलेंद्र ने अपनी हामी भर दी। जल्द ही शूटिंग शुरू हुई। क्रूर सिंह को तैयार किया गया, एक सुंदर राजकुमार जिसकी लंबी लंबी पतली मूछें थी। अखिलेंद्र ने किरदार के गेटअप पर नीरजा से बात की, कहा कि मेरा नाम क्रूर है और मैं दिख सुंदर रहा हूं, ये कैसा मेल। नीरजा को पहले तो उनकी बात पर हंसी आई लेकिन फिर विचार किया तो लगा कि बात सही है। क्रूर सिंह का लुक बदला गया, अब उसकी मोटी घनी मूछों के साथ उतनी ही घनी बोहें भी दिखाई दी। सर्वसम्मति से ये लुक फाइनल किया गया। लेकिन यहां भी अखिलेंद्र को एक चिंता थी कि उनकी मूछों और भोहों की वजह से अब कोई उनका चेहरा नहीं पहचान पाएगा। बिना पूरा चेहरा दिखाए भी अपनी अलग पहचान कैसे बनाई जाए, इसका भी उन्होंने जुगाड़ निकाल लिया। दरअसल स्क्रिप्ट में बार बार यक लिखा हुआ था। स्क्रिप्ट में शब्द एक ध्वनि के तौर पर लिखा गया था। अखिलेंद्र को एक आइडिया आया, वो यक ध्वनि को अपने किरदार का तकिया कलाम बनाना चाहते थे। नौरसों को यूज कर यक शब्द को अलग अलग भाव के साथ बोलना चाहते थे। नीरजा से बात की। नीरजा ने पहले तो कहा कि यक का अर्थ अच्छा नहीं होता, इसे यूज करना सही नहीं होगा, लेकिन अखिलेंद्र के मनाने पर वो मान गई। इस तरह क्रूर सिंह को मिला अपना यक, जिसे सुनकर बच्चे यक्कू यक्कू किया करते थे। अखिलेंद्र एक्टिंग करने के लिए बॉम्बे आए थे। उनके पीछे से छपरा में उनके माँ बाप का जीना मुश्किल हो गया। लोग ताने देने लगे कि इतना पढ़ लिख कर क्या करने चला गया, अब तो समझो बिगड़ गया तुम्हारा बेटा। रिश्तेदार उल्हाना देते कि अब उसकी शादी कैसे होगी, इंजीनियर डॉक्टर बनता तो कुछ बात भी होती। लेकिन अखिलेंद्र ने अपनी मेहनत को सार्थक कर ऐसे सभी लोगों को जवाब दिया अपने काम के जरिए। चंद्रकांता खासा पॉपुलर था। अब बारी थी अपने कमाल को बड़े पर्दे पर ले जाने की। 1995 में सलमान खान की एक फिल्म आई थी वीर गति। वो फिल्म जहां मेरे बदन पर लगे कपड़े को ही मैं कफन समझता हूं जैसे डायलॉग्स थे। फिल्म के शुरुआती क्रेडिट्स में लिखा था इंट्रोड्यूसिंग अखिलेंद्र मिश्रा। चंद्रकांता के दौरान ही अखिलेंद्र को ये फिल्म ऑफर हुई थी। फिल्म में उन्होंने विलन का किरदार निभाया इक्का सेठ, जिसकी भारी आंखों से हवस टपकती थी, गले में सोने की चेन लादे थे। बेटा फिल्म में आ रहा है, वो भी सलमान खान के साथ। खबर छपरा तक पहुंच गई। आंखों में खुशी भर के अखिलेंद्र के माता पिता छपरा के सिनेमा हॉल में पहुंच गए वीर गति देखने। फिल्म का क्लाइमैक्स आया जहां सलमान का किरदार इक्का सेठ के साथ खूब मारपीट मचाता है, अंत में उस पर पेट्रोल की बारिश कर देता है। मतलब उस समय पेट्रोल सस्ता ही था तो ये मुमकिन भी लगता था। पेट्रोल स्नान के बाद इक्का को आग में जलते घर में फेंक देता है। इक्का जलकर मर जाता है। सीन चल रहा था एकाएक हॉल में एक महिला फूट फूट कर रोने लगी, सिसक कर कहने लगी कि मेरे बाबू को कोई बचा लो। अरे उस पर पेट्रोल डाल दिया, इतनी बेदर्दी कौन करता है। ये महिला अखिलेंद्र की माँ थी।
इस घटनाक्रम के बाद अखिलेंद्र किसी भी फिल्म पर काम शुरू करने से पहले पिता को फोन करते थे, बताते थे कि इस फिल्म में वो ये किरदार निभाने वाले हैं। पिता का एक ही जवाब होता था कि ये ज्यादा विलन वगैरह के रोल में मत पड़ो, ये रोल मत किया करो, अच्छे आदमी का रोल किया करो भाई। अखिलेंद्र ने शायद पिता की प्यार भरी सलाह नहीं मानी, क्योंकि वीरगति के बाद उनकी अगली फिल्म थी सरफरोश, जहां उन्होंने मिर्ची सेठ का किरदार निभाया। मिर्ची सेठ कैसा धूर्त था ये हम सभी जानते हैं। लगान हिंदी सिनेमा की महानतम फिल्मों में से एक, ऑस्कर्स में भी नॉमिनेट हुई। फिल्म किसी एक नायक की नहीं बल्कि 11 नायकों की कहानी थी कि कैसे 11 लोग अंग्रेजों के खिलाफ क्रिकेट मैच जीत कर लगान माफ करवाते हैं। उन्हीं 11 में से एक था अर्जुन, जिसका किरदार निभाया अखिलेंद्र मिश्रा ने। आमिर खान लगान को प्रोड्यूस कर रहे थे, वो इससे पहले अखिलेंद्र के साथ सरफरोश में काम कर चुके थे, उनके काम से वाकिफ थे। नतीजन लगान के लिए अखिलेंद्र को बुलाया गया, आशुतोष गवारिकर ने नरेशन दिया। डायरेक्टर को अपने सब्जेक्ट को लेकर कितनी स्पष्टता थी ये देखकर अखिलेंद्र बहुत खुश हुए और फौरन लगान को हाँ कह दिया, फिर चाहे किरदार कोई भी हो। उन्हें अर्जुन के लिए फाइनल कर दिया गया। शूटिंग शुरू हुई, रोज पूरी टीम बस से शूटिंग स्पॉट पर जाती थी, जहाँ उन्हें पहुंचने में करीब 5 घंटे का वक्त लगता था। सफर शुरू होने से पहले अखिलेंद्र बस में गायत्री मंत्र चला दिया करते थे। पहले तो सबको लगता था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये टीम का रूटीन बन गया। शूट पर जाने से पहले लगातार गायत्री मंत्र सुनते और काम शुरू करते। अखिलेंद्र अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि गायत्री मंत्र का टीम पर बड़ा पॉजिटिव असर हुआ। खुद आमिर खान भी प्रभावित हुए, उन्होंने अखिलेंद्र से पूरे गायत्री मंत्र का अर्थ पूछा और उसे समझा भी। साल 1987, इंडियन टेलीविजन का इतिहास बदलने वाला साल, या यूं कह लिया जाए कि टीवी का इतिहास लिखने वाला साल। रामानंद सागर की रामायण दूरदर्शन पर प्रसारित हुई, वो रामायण जिसे देखने के लिए लोग अपनी शादियां रोक देते थे, सड़कों को वीरान कर देते थे। रामानंद सागर की रामायण के करीब 20 साल बाद उनके बेटे आनंद सागर ने भी रामायण बनाने का फैसला लिया। रावण के रोल में लेना चाहते थे अखिलेंद्र मिश्रा को। अखिलेंद्र को कॉल किया, रोल के बारे में बताया। अखिलेंद्र उस दौरान 3-4 फिल्मों की शूटिंग पर काम कर रहे थे, अपनी व्यस्तता का हवाला देकर टाल दिया। साथ ही वो पुरानी वाली रामायण में अरविंद त्रिवेदी के निभाए रावण की लेगेसी से भी परिचित थे, जानते थे कि इस लेगेसी को दोहरा नहीं पाएंगे, इसलिए मेकर्स को मना कर दिया। मेकर्स ने कहा कि ठीक है, जैसा आप चाहें, उसे एक बार आकर मिल लीजिए। अखिलेंद्र को लगा कि आधे एक घंटे में मीटिंग निपटा कर निकल लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो मीटिंग 4 घंटे तक चली। मीटिंग एंड तक अखिलेंद्र मान गए, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त थी कि वो रावण को अपने हिसाब से पोर्ट्रे करेंगे। मेकर्स को कोई हर्ज नहीं था, खुद के हाथ में किरदार का क्रिएटिव कंट्रोल लेने से उनका फायदा हुआ, क्योंकि आगे चलकर एक सीन में रावण रोने लगता है, ये अखिलेंद्र ने खुद जोड़ा। रावण का वल्नरेबल साइड देखने का अवसर मिला। असर ऐसा हुआ कि उनके काम को जमकर सराहना मिली। आनंद सागर के बड़े भाई सुभाष सागर ने उन्हें कॉल कर पूछा कि ये तूने कर दिया, रावण ऐसा भी हो सकता है, ये तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अखिलेंद्र को 6 महीने तक ही शो पर काम करना था। उनका डेथ सीन शूट कर लिया गया और उनका शो से पैकअप हो गया। अचानक एक दिन उनके पास आनंद सागर का फोन आया, पूछा कि किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो? अखिलेंद्र ने बताया कि अभी तो कुछ नहीं है। ना सुनते ही दूसरी ओर से आवाज आई कि शो में रावण का ट्रैक बढ़ाना पड़ेगा, पब्लिक डिमांड के मुताबिक रावण इतनी जल्दी नहीं मर सकता। बस फिर क्या था, अखिलेंद्र ने 1 महीने और रावण के सीन्स शूट किए। अखिलेंद्र का अगला बड़ा प्रोजेक्ट है शंकर के डायरेक्शन में बनी इंडियन 2। पहले पार्ट की तरह यहाँ भी लीड रोल कमल हासन ही निभाएंगे। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में एक वेब सीरीज की शूटिंग भी पूरी की है, जिसका टाइटल है वाइट गोल्ड। शूटिंग पूरी होने के बाद लॉकडाउन लग गया था, इसलिए डबिंग और पोस्ट प्रोडक्शन का काम अभी बचा हुआ है। सीरीज के प्लॉट और बाकी कास्ट को लेकर अभी कोई भी डिटेल्स रिलीज नहीं की गई है। आज के एपिसोड में बस आपके लिए इतना ही, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। लेकिन आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहें दिल ललन टॉप, मैं हूँ सोनाली, शुक्रिया।